जी सर, ये शेडनेट हाउस है। ओके, ये इजराइल टेक्नोलॉजी से बना हुआ है। ठीक है, नेट शेड का मतलब होता है कि छाया, छाया सूर्य की किरणें डायरेक्ट ना लगे, ना लगनी चाहिए। तो जो ये नेट शेड का दूसरा भी प्राय है कि जो देवदार प्रजाति है ना जी, हाँ जी, ये शुरू की अवस्था में जो है छाया मांगती है। तो हमने किस तरह से इसको बनाया है, जो हमारे सुपीरियर बॉस थे उन्होंने बहुत धमाकी तौर पर प्रैक्टिस की, उसके आधार पर इसको बनाया गया सर। तो इसकी दो ये कंडीशनें लगाई गई कि एक जो जाली टॉप की है, टॉप वाली, ये 40% सूर्य की किरणों को रोकती है। कितना जी? 40। फिर जो ये दूसरी जाली लगाई है ये 20% रोकती है, तो 40 और 20 हो गया 60, तो 60% जो है सूर्य की किरणों को रोक दिया, रोशनी को जो डायरेक्ट पड़नी, डायरेक्ट नहीं पड़नी। इसलिए जो इसकी शेड पड़ी थी इसलिए नाम जो शेड में हाउस पड़ा, और हमें सूर्य की अवस्था के लिए चाहिए ही हमें शेड। तो आजकल जो ये काम चला हुआ ये प्रिंकिंग है। हेलो जी जनाब, तो अब इसका जो प्रिंकिंग मेथड है ना, ये वैसे प्रिंकिंग जो है जो पीरियड एक्चुअल पीरियड है जी प्रिंकिंग का, वो पीरियड है अप्रैल और मार्च अप्रैल मार्च। लेकिन हम जो किन्हीं कारणों से लेट हुए हैं, तो की तो हमने काफ़ी ज़्यादा पहले भी कर लिए, लेकिन इस बार टारगेट जो है हमारे पास बहुत ज़्यादा है। जब टारगेट ज़्यादा होगा ना जी तो थोड़ा टाइम भी ज़्यादा, बाकी तो ऑलमोस्ट हमारी जो है प्रिंकिंग फारिक हो चुकी हुई है। जो कुछ थोड़ी प्रिंकिंग बची हो आजकल हम इसको पूरा करने का भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। अब जब ये प्रिंकिंग होगा, जब ये 1.5 साल का प्लांट्स होगा, हाँ जी, तो उसके बाद हम इसको ट्रांसप्लांटिंग फिर करेंगे 1 साल के लिए। 1 साल अभी ये 4x9 में था, उसके बाद हम इसको 10x18 में ले जाएंगे। 10x18 जैसे कि सामने, हाँ जी, ऊपर है और सामने। जब मतलब 10x18 में 1 साल के लिए उसमें रहेगा, तो एज कितनी बढ़ गई फिर? 2.5 साल। फिर हम जो इसको फिर भी हम एक बार फिर इसको ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हैं 12x20 के लिए, 1 साल के लिए फिर करेंगे, और ताकि इसकी हाइट 1.25 मीटर होनी चाहिए मिनिमम, और मतलब 4 और 5 फीट का होना चाहिए। और जो प्लांट्स आपका जो है मतलब ट्रांसप्लांटिंग और प्रिंकिंग द्वारा तैयार किया गया ना जी, वो 100% आपका सर्वाइवल है। जो जब प्लांटेशन करेंगे ना उसकी, तो 100% को सर्वाइवल होगा। तो इसलिए जो है मतलब नए तकनीकी से जो है हमारी नर्सरी में मैक्सिमम जो है हमारे सेंज नर्सरी में, थेओग डिवीजन की सेंज और नहोल नर्सरी में पूरा हाईटेक किया गया नर्सरी, किसी चीज़ की सरकार की तरफ से कमी नहीं है। किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं, ना पानी की कमी है, ना कोई और सुविधा की कमी है। कमी अगर रखेंगे तो हम खुद ही रखेंगे, कि अगर हम काम उसमें लापरवाही करेंगे तो लापरवाही होता है। बाकी सरकार की तरफ से तो किसी तरह की कोई कमी नहीं। कौन सा वाली? ये मिस्ट है, ये लगी हुई वाटरिंग के लिए। अच्छा, इसमें मतलब जो कोई 45 या 46 मिस्ट लगा हुआ है, तो ये भी जो मतलब हमारे टेक्निकल सिस्टम से लगा हुआ है, कि आपने जैसे ही मतलब इसका मोटर ऑन किया और फॉग स्टार्ट हुआ और पूरा मॉइस्चर चलेगा, 1 घंटे में पर फॉग 100 लीटर पानी छोड़ेगा 1 घंटे। वैसे ही देखो आप बाहर कोई माइक्रो स्प्रिंकलर सिस्टम में लगा हुआ, स्प्रिंकलर वाले, हाँ जी, ये भी मतलब 1 घंटे में पूरा 100 लीटर पानी। ठीक है।